Let it bang. Hi guys, हम लोग अभी पहुंच गए हैं दिल्ली स्टेशन और ओल्ड दिल्ली पहुंचे हैं और अभी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे हैं। तो अभी हम लोग बाहर निकलेंगे। तो एक बार गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आप सबको, और अब चलते हैं। ये हमारी ट्रेन लग चुकी है तो हम उतर गए हैं। अब आगे चलते हैं और आगे का आपको व्यू दिखाते हैं क्या होता है ना सारा का सारा, बहुत मजा आएगा। और दिल्ली में एंट्री हो गई ऑफिशियली, तो अभी चलो आगे का दिखाते हैं आगे क्या होता है। तो कितनी भीड़ है सीढ़ियों पे, सारे के सारे लोग ऊपर चढ़ रहे हैं पर हम भी चढ़ेंगे। तो एक्सीलेटर तो बंद है तो वो उसका यूज करेंगे नहीं। एक बार ऊपर से गाड़ियों का व्यू, स्टेशन का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है। वो हमारी गाड़ी है, ये कोई गाड़ी लगी है। तो गाइस ये स्टेशन है, देख सकते हो। तो दोस्तों अभी बाहर निकल रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं हम लोग। बाहर का व्यू है और सारे भी रोकने वाले हैं लोग। हमारे पास सामान नहीं है तो हम लोग साइड से निकल जाएंगे। तो अब दिल्ली मेट्रो में जाना है तो दिल्ली मेट्रो बाहर का व्यू है तो उधर का भी चलेंगे। मेट्रो लेते हैं अभी, है ना, रिक्शे वाले वगैरह। आउटर पहुंच गए और ये है ओल्ड दिल्ली का स्टेशन। तो आप देख सकते हो स्टेशन कितना अच्छा है, ओल्ड दिल्ली सारा का सारा व्यू। और हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हमें मेट्रो पकड़नी है। ये देखो स्टेशन इस साइड बहुत क्लीन है, उधर थोड़ा गंदा सा है। और ये ऑटोज वाले जो होते हैं, जो आप चाहो तो बुक करके जा सकते हो, बहुत एक्सपेंसिव होता है। दिल्ली मेट्रो के लिए आगे का रास्ता है, चलो चलते हैं आगे के लिए। ये रेलवे स्टेशन देखो दिल्ली का, ठीक है। यहाँ पे मैं आया हूँ पहले और अंशु पहली बार आया तो इसीलिए ये सारा बहुत बड़ा स्टेशन है यार, बहुत बड़ा, क्योंकि सबसे पहले यही स्टेशन है, उसके बाद न्यू दिल्ली स्टेशन बना है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। छोले भटूरे खाएंगे हम लोग। भैया छोले भटूरे दो प्लेट कर दो, ठीक है। दो प्लेट खाएंगे अभी छोले भटूरे हम लोग। तो यहाँ पे बैठते हैं ना, तो ये सबसे बेस्ट जगह ये दोस्तों, छोटी सी दुकान है, यहाँ पे हम छोले भटूरे खाएंगे अभी। तो ये देखो छोले भटूरे मतलब छोले प्लेट, ये बसें हैं ओल्ड दिल्ली के आउटसाइड पहाड़गंज। जब भी आप आओगे यहाँ पे आप खा सकते हो कुछ भी, तो बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल, पर पहले ही जैसा नहीं, अब बिल्कुल चेंज हो गया। हमारे छोले भटूरे की प्लेट, ये अंशु की भी है, ये मेरी है, हम दोनों की आ गई है। तो अंशु वो भी खाने लगा है और मैं भी खाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका। दोस्तों अब हम जा रहे हैं मेट्रो की तरफ, 3 नंबर गेट है ये वाला और हम अभी जाएंगे। और यहाँ से ऑटो भी मिल रहे थे चांदनी चौक के लिए, पर हमें दूर जाना है तो इसलिए हम ये मेट्रो यूज करेंगे। जो यहाँ पे चेकिंग है तो चेकिंग कराते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला मेट्रो का गेट बंद था तो हमें ना 5 नंबर एंट्री गेट पे जाना पड़ेगा चांदनी चौक। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे, रश बहुत है, पूछते हैं कितनी दूर है। दूर होगा तो ऑटो कर लेंगे, नजदीक होगा तो चल पड़ेंगे। तो हम अभी जा रहे हैं गली में से 5 नंबर गेट चांदनी चौक, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन वाला जो मेट्रो है वो बंद है। तो हमें चांदनी चौक वाली पकड़नी पड़ेगी, यहाँ शीशगंज गुरुद्वारा है। तो ये गली से होके हमें गुजरना पड़ रहा है। चलो चलते हैं, पूछते पूछते निकल जाएंगे, नजदीक ही है। भाई साहब मेट्रो के लिए कितनी लंबी लाइन है, देख सकते हो इतनी लंबी लाइन हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। ये मेट्रो के लिए चांदनी चौक पे हमें लाइन लगानी पड़नी है, बहुत लंबी लाइन है। पता है इतना टाइम क्यों, क्योंकि लगता है एक ही गेट ओपन है, दैट्स व्हाई। साहब लाइन देखो कितनी लंबी लगी हुई है और हम लाइन में लगे हुए हैं। और देखो नंबर कब आता है हमारा, ये पीछे भी लाइन है काफी हमारे, ये देखो आगे हम चल रहे हैं, देखो कितनी लंबी लाइन है। चलो देखते हैं कब नंबर आता है हमारा मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसने का। ये सैनिटाइज करते हुए और लाइन हमारी आएगी कि नहीं आएगी हमें नहीं पता, लेट्स सी आती है कि नहीं, आनी चाहिए, बहुत टाइम हो गया। ओ लगता है फंस गए हम यहाँ पे कुछ ही, शिट हम फंस गए यहाँ पे। ये चांदनी चौक का रेल मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ है और आवश्यकता, और हम यहाँ पे फंसे हुए हैं और लाइन बहुत ही लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी लाइन है। हमारी सिक्योरिटी चेकिंग होगी, कम से कम आधा पौना घंटा लग गया हमें बाहर से अंदर आते आते,
पहले तो लाइन बहुत लंबी थी, उसके बाद जब अंदर आए हैं और अंदर आने के बाद और ज़्यादा टाइम लग गया चेकिंग वैकिंग में। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है नोएडा जाते टाइम, टाइम तो लगना है, तो चलते हैं आगे। दोस्तों ये देख लो आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं और आगे वो है खाली है, अंदर तो खाली है, बाहर पता नहीं क्यों इतनी भीड़ लगा रखी थी इन्होंने। यहाँ से अभी एंट्री होना है, वहाँ से अभी हम कार्ड बनाएंगे, तो वहाँ से अभी एंट्री, यहाँ से कार्ड बनाना है हमने। दोस्तों अभी हमने मेट्रो कार्ड बनाया, तो मेट्रो कार्ड का दिखाना, ये वाला मेट्रो कार्ड हमने बनाया और 150 रुपया लगा इस मेट्रो कार्ड का, और इसमें बैलेंस पता नहीं कितना है, बट ये है कि एक बार बना लो कि तो आपको भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा और इजिली आप निकल जाओगे कहीं से भी। तो चलो अब आगे चलते हैं, मेट्रो स्टेशन आ गए हम लोग, ये देख रहे हो ठीक है मेट्रो स्टेशन, ये है चांदनी चौक, और आगे चलते हैं अभी हम मेट्रो पकड़ते हैं। पहले हम देखते हैं रेलवे स्टेशन चांदनी चौक, ठीक है हमारी मेट्रो है। चलो यहाँ खाली थी, नेक्स्ट वाली में चल लेंगे। ये देखो इस तरह से दरवाजे बंद हो जाते हैं ये सारी मेट्रो का, और मेट्रो अभी चलेगी यहाँ से, आप देख सकते हो बहुत मज़ेदार है दोस्तों, पर मास्क नीचे करना सीखनी है। मेट्रो चली और एकदम से स्पीड लेती है, जो नहीं आए वो यूज कर सकते हैं, बहुत फैसिलिटी होती है मेट्रो की। ये देखिए स्पीड पकड़ लिया मेट्रो ने, काफ़ी लंबी मेट्रो थी, और यही है जाएगी राजीव चौक, हम लोग जाएंगे राजीव चौक, ये निकल गई है। दोस्तों आ गई हमारी मेट्रो, अब हम इस पे चढ़ेंगे और चलेंगे आगे। खाली लग रही है, भीड़ नहीं है इसमें क्योंकि पहली वाली में ज़्यादा भीड़ थी, तो चलो चलते हैं अब मेट्रो में अपनी, तो चढ़ के बता। हम राजीव चौक आ गए हैं और अभी हम ये मेट्रो से उतरे हैं, राजीव चौक से हम ऊपर जाएंगे, अभी एक्सीलेटर ले लेते ना, अभी एक्सीलेटर के साथ हम ऊपर जा रहे हैं। अभी राजीव चौक से हमें जाना है नोएडा सेक्टर 18, तो ब्लू लाइन बस, ब्लू लाइन मेट्रो लेनी पड़ेगी। देखो काफ़ी हाइट में है, आप देख सकते हो अगर खिसकेगा कैमरा मेरा तो क्या होगा, तो ये सारी रश है। चलो हमें जाना है नोएडा सेक्टर 18, तो वहाँ जाके पहले देखते हैं मेट्रो पहले पकड़ लेते हैं ना, ब्लू लाइन वाली किस साइड से। मैं मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया हुए, तो अभी टाइम लग गया है, तो चलो चलते हैं फिर आगे का देखते हैं कि क्या सीट बनता है। तो चलो जब भी जाना होगा आपको, जैसे ब्लू लाइन जाना, तो इस पंजे को फॉलो करना होता है ठीक है, इसे फॉलो करते करते ये देखो मेट्रो द्वारका के लिए ये वाली है, हमें द्वारका नहीं जाना है, हमें क्रॉस करके ये वाली तो नहीं है, हमें ऊपर जाना है नोएडा, वह नोएडा ये देखो इस तरह से पता लग गया आपको वैशाली और नोएडा, इसको फॉलो करना है, 3 नंबर पे हमें जाना है ठीक है। तो ये देखो ये वाला ब्रिज हमें क्रॉस करना होता है, तो ब्रिज क्रॉस करके ये पूरा मेट्रो स्टेशन है, राजीव चौक का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा देखो भीड़ देखो आप देख सकते हो, देख के पता लग जाएगा। और ये देखो द्वारका जाना तो ये वाली मेट्रो पकड़नी पड़ेगी, नोएडा जाना है तो क्रॉस करना पड़ेगा जैसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ। उसके बाद वो देखो स्क्रीन भी कितनी सही, बहुत बहुत क्लासिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इधर से आ जाओ और इधर से आ जाओ, ये वाली करके यहाँ से मेट्रो मिलेगी, यहाँ से मेट्रो पकड़नी पड़ेगी। अभी हमारी मेट्रो आई नहीं है, 1 मिनट में आने वाली है, 1 मिनट का टाइम दिया है, तो उसको फॉलो करना होता है। और देखो ये दूसरे साइड लोग खड़े हैं, तो अभी हम लोग चलो मेट्रो आती है आपको दिखाता हूँ। हमारी मेट्रो आ गई है और ये देखो आ गई है, ये नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाना है, दो जगह है वैशाली, वैशाली नहीं जाना होता है, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाना है, और थोड़ी बहुत भीड़ है, खाली है वैसे। चलो चढ़ते हैं फिर करते हैं आगे की बातें, मज़ा आने वाला है और ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली का तो आपको पता ही है। चलो एक बार निकलते हैं लोग, तो उसके बाद फिर चढ़ेंगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। ये देखो हमारा हैं नोएडा सेक्टर 18, और अभी हम जाएंगे, तो अभी नीचे की तरफ जा रही है हमारी मेट्रो रुकी है, तो चलो नोएडा सेक्टर 18 था, यहाँ से अभी हमें आगे जाना है, तो
हमें जाना है सेक्टर 26, तो 1.5 किलोमीटर है आई थिंक, थोड़ा चलना पड़ेगा, यहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रही है, हमें तो वैसे निकल जाना है। तो ये देखो मेट्रो, तो निकलते हैं और देखते हैं आगे का क्या बनता है माहौल। तो वंशु तो पहली बार आया है, अब इसमें हमें वो कार्ड स्वैप करना पड़ेगा, देखो स्वैप करते हैं और यहीं से निकलते हैं लोग। चलो दोस्तों निकलते हैं फिर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें डालना होता है और निकल गए हम, ये देखो एग्जिट हो जाएंगे अब हम आगे की तरफ। दोस्तों ये है द ग्रेट इंडिया प्लेस, कहाँ उस साइड है ग्रेट इंडिया प्लेस, ये मॉल है बहुत बड़ा, और हम अभी जाएंगे वो ही अंशु के लिए पीजी ढूंढने। तो वो लोकेशन है, लोकेशन हम देखेंगे। तो ये आगे मेट्रो के उस साइड, वहाँ से हम रिक्शा लेते हैं, नहीं तो कुछ देखते हैं, 2 किलोमीटर दिखा रहे हैं तो देख लेते हैं क्या होता है ना, मेन रोड पे कि मेन। तो ये देखो वेव नोएडा सेक्टर 18 हम लोग आ गए हैं। तो ये ट्रैफिक है दिल्ली की, दुनिया भर की ट्रैफिक, हम इस ट्रैफिक में चले जा रहे हैं और आगे 1.5-2 किलोमीटर जाना हमें, तो हमने सोचा पैदल ही चलते हैं तो वो सबसे बेटर रहेगा, तो इसलिए हम लोग चल रहे हैं। हाँ बिल्डिंग भाई साहब, ये बिल्डिंग देखिए इतनी ऊंची बिल्डिंग है ना, ये बहुत ही मतलब बहुत हाई फाई एरिया है नोएडा 18, ये मेट्रो गई हुई है बिल्डिंग है देखो, और ये मार्केट है नॉर्मल, वैसे इतना नॉर्मल ही है मार्केट, इसमें कोई पंगा नहीं है। तो ये नोएडा थोड़ा आउटसाइड पड़ता है, जैसे यहाँ पे स्पेस है, मतलब मेन दिल्ली में तो बहुत मुश्किल हो जाता है रहना रूना। हाय गाइस, भाई बैंड बज चुकी है बहुत तगड़ी वाली, ये सामने बिल्डिंग देखो, हम कम से कम 5-6 किलोमीटर चले हैं, और पीजी वगैरह देखिए 4-5 देखे हैं भांजी के लिए, बट पसंद ही आए कहीं कहीं नहीं भी आए। अब देखो आगे हम जा रहे हैं आश्रम दिल्ली सेक्टर 37 सेक्टर 18, तो अभी मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं हम लोग 16, तो 16 मेट्रो स्टेशन नज़दीक पहुंच गए, तो वहां से मेट्रो लेंगे जाएंगे हम गोल्फ कोर्ट, वहां से 44 सेक्टर जाना है, और 44 सेक्टर जाके हम वो देखो मेट्रो जा रही है नज़र आ रहा होगा आपको, तो 44 जाके पीजी देखना है, वो देखने के बाद अगल बगल देखेंगे, खत्म टाइम बचेगा, गुरुद्वारा साहिब मत्था टेकेंगे और पालिका बाजार वगैरह घूमेंगे, टाइम बच जाएगा मुझे पता है। तो चलो आगे आपको दिखाते हैं, ये रिक्शे वालों की लड़ाई हो गई है, रिक्शे वालों की मारपीट हो गई, लड़ाई हो गई है रिक्शे वालों की। तो चलो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं अभी सेक्टर 16 के गेट में, और ये आ गया, लड़ाई होगी बंदों की और हम थक गए बुरी तरह। ओ ये HCL का ऑफिस आई थिंक, चलो जी अंदर चलते हैं, बजी हुई है और भैया के पास अभी हम कंजवी पीने आए, अभी ये बंटे वाले इस कंजवी बनाएंगे और ये हम पियेंगे, ये छोटे छोटे ग्लास है पर भैया के, चलो पीते हैं। ये 16 के नीचे हम लोग बैठेंगे सेक्टर, ये देख सकते हो आप, अभी हम सेक्टर 16 में आ गए हैं और ये मेट्रो लगी हुई है, और हमारी मेट्रो अभी 3 मिनट में आएगी, वो देखो बोर्ड देख रहे हो, ये 8:02 में आने वाली है, ये मेट्रो चली दिल्ली की, और ये देखो जाते हुए दिखाता हूँ मैं आपको, और ये मेट्रो गई, और हमारी मेट्रो 1 मिनट में आने वाली है, ये 2 मिनट में टाइम दिखा रहा है, तो टाइम भी पता लग जाता है इसमें। तो ये खाली पड़ा है स्टेशन, गर्मी बहुत है, बैंड बच चुकी है हमारी, वो देखो टंकी कितनी डेकोरेटेड है, और थक चुके हैं हम प्रॉपर तरीके से, अब जल्दी से मेट्रो आए और उसमें चढ़े। ये देखो कितना अच्छा शेड बनाया होता है, बहुत अच्छा है यहाँ पे, और दिल्ली घूमना, बैंड बज गई है, और ये देखो मेरा भांजा वो भी बैंड बज गई है, मेरा शक्ल देख के पता लग रही होगी दिल्ली बैंड बजा दी हमारी, बिल्डिंगें बहुत ऊँची ऊँची यहाँ की। तो चलो दोस्तों जैसे आता है, यहाँ पे सेफ है, सेफ नहीं है मास्क उतारना इसीलिए, चलो आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ और आगे। दोस्तों हमारी मेट्रो आ गई है, और हमारी मेट्रो आ गई है, चलो अब चढ़ेंगे अपनी मेट्रो में, आ जाओ, ये अभी मेट्रो आ गई है, अब चढ़ते हैं उसमें, खाली है, अब चढ़ते हैं अपनी मेट्रो में, काफ़ी लंबी है, मैं दरवाज़ा खुलेगा, खाली पड़ी है, चल चढ़ते हैं, आ जाओ इधर, इधर वाली पे चढ़ जाते हैं, है ना, दरवाज़ा खाली खाली है, खुल जा सकते हैं, खुलेगा तो हम चढ़ते हैं, खाली पड़ी है।
तो गाइस हम लोग अभी बैठे हुए मेट्रो में और अभी देखते हैं सेक्ट बोटैनिकल गार्डन में पहुंचे हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे ठीक है गोल्फ कोर्स, ठीक है गोल्फ कोर्स में उतरेंगे, गोल्फ कोर्स उतरने के बाद तो आगे हमें 44 सेक्टर जाना है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है ना। दोस्तों हम लोग गोल्फ कोर्स पहुंच गए हैं, अब हम लोग जाएंगे, मेट्रो हमारी जा रही है तो हम लोग भी अभी निकलेंगे, चलो चलते हैं, हमारे मेट्रो चली गई, गोल्फ कोर्स पहुंच गए, चलो चलते हैं आ जाओ। बारिश का मौसम तो नहीं है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रखी है, पर चलो हम लोग चलते हैं आगे है ना। ये देखो लोग बैठे हुए हैं, हमारी मेट्रो की बिल्डिंग्स बहुत अच्छी अच्छी आपको जो दिखा रहा था मैं, चलो हम लोग चलते हैं आगे की बात में करेंगे। ऑटो में बैठ गए हम लोग, तो अभी हम लोग चलते हैं की तरफ, ट्रैक्टर लेके जाने भैया। ये देखो पेट्रोल पंप के पास हमें जाना है अभी आगे जाने, देखते हैं कहाँ तक पहुँचाते भैया। भाई साहब ये है छत जहाँ पे अंशु का पीजी हमने सेलेक्ट किया है, उससे सारा का सारा शहर नज़र आता है क्योंकि बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तो बहुत अच्छा है, हर चीज़ है फैसिलिटी वगैरह। और दोस्तों ये हम चले वापस गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन, वहाँ से हम जाएंगे राजीव चौक, और राजीव चौक के बाद जाएंगे हम लोग बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो आगे का प्लान और देखते हैं वहीं जाके बनेगा, बट अभी के लिए हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन गोल्फ कोर्स। तो गाइस इतना घूमने के बाद हम फाइनली आ गए हैं गोल्फ कोर्स और स्टेशन मेट्रो, अब सीधा हमने जाना है राजीव चौक, तो राजीव चौक जाके मेट्रो अभी आ रही है, तो राजीव चौक जाएंगे और उसके बाद फिर गुरुद्वारा साहिब जाएंगे और देखते हैं, और अंशु इधर है और देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो इस साइड की मेट्रो आ गई है, पर हमारी मेट्रो अभी आ रही है, अभी लेट्स सी कितना टाइम लगता है। तो चलो दोस्तों आगे मैं आपको पहुँच के बताता हूँ, मिल गई जगह, तो मेट्रो में जा रहे हैं बैक साइड, और मेरे बैक साइड है अभी, ये देखो जो मज़ेदार व्यू है, बड़ा सही है, अच्छा लग रहा है। राजीव चौक आ गया, अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो अब वही वाली जगह हम वापस आ गए जहाँ से हम लोग उठ गए थे, तो आप देख सकते हो ये सारा का सारा मेट्रो है, तो हम लोग अब आगे की तरफ जा रहे हैं। गाइस अभी हम बाहर निकल रहे हैं और पालिका बाजार की तरफ जा रहे हैं, जनपद वाला रास्ता, तो गर्मी बहुत है बट इतना सफ़र किया ठीक है, कोई बात नहीं, निकलते हैं आगे की तरफ और देख रहे हो ये देखो बारखंबा रोड सुपर बाजार, और ये अंदर ही अंदर चलना बहुत पड़ता है, वेंटिलेटर है यहाँ पे, हवा आ रही है, और अभी हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ, मजा आएगा।